सो एवरीवन, और एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। फिलहाल जो ये दो चाबियां आप मेरे हाथ में देख पा रहे हो, ये चाबियां हमारी बिलोंग करती हैं इस प्रोडक्ट को। ये है आपके सामने 2024 MG हेक्टर। ये इसका शार्प प्रो CVT वेरिएंट है, 5 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ है। अगर आपको 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ चाहिए तो आपको इसका MG हेक्टर प्लस लेना पड़ेगा, और उसके अंदर आपको 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। बट ये 5 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ है और शार्प प्रो वेरिएंट है इसका, काइंड ऑफ कह सकते हो टॉप मॉडल ही है। इसके अंदर वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो आपको वो लग्जरी फील देंगी, एक लग्जरी वाइब देंगी। क्या क्या चीज़ें इस प्रोडक्ट के अंदर आपको मिल जाती हैं, उससे पहले इसकी प्राइसिंग। ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको कॉस्ट करता है 21.20 लाख रुपीज़, 21,20,000 रुपये के आसपास, एक शोरूम दिल्ली फरीदाबाद के अंदर। और ऑन रोड कीमत की बातचीत करें तो ये अपना स्टेट टू स्टेट भी डिपेंड कर सकती है चीज़ें, और क्या ऑफर या फिर क्या डील इस पर आपको मिल जाती हैं उस पर भी ये चीज़ें डिपेंड कर सकती हैं। अभी एक एक करके चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं कि इतना पैसा इस गाड़ी के ऊपर डालना वर्थ है या नहीं है, और है भी तो क्यों है, और क्या ये गाड़ी आपको ऐसा स्पेशल दे देती है, क्या स्पेशल अलग फील कराती है, और किस तरीके की चीज़ें इस गाड़ी के अंदर मिलती हैं, उनकी हम एक एक करके बातचीत करती हैं। चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं इस गाड़ी की चाबी से ही। बहुत ही स्लीक सी की आपको मिलती है। यहाँ पर 3 कंट्रोल्स हैं डोर्स को अनलॉक करने के लिए, लॉक करने के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट आता है। तो इस बटन को होल्ड करके रखोगे तो बूट आप अपना जो है एक्सेस कर सकते हो। सेकेंडरी की भी आपको ऐसी सेम देखने के लिए मिलती है, सेम कंट्रोल्स के साथ, काफ़ी स्लीक सी की है। पीछे MG का लोगो है दोनों ही चाबियों पे। अब इसको रख लेते हैं पॉकेट में। प्रोडक्ट की हम बातचीत करें तो ये आपकी स्क्रीन पर मैंने यहाँ पर शो कर दिए इसके डायमेंशन वगैरह, देख लेना क्या लेंथ विड्थ हाइट है गाड़ी की। और ओवरऑल चीज़ों की बातचीत करें तो देखो, बॉडी लाइन गाड़ी की काफ़ी नीट एंड क्लीन है, ज़्यादा ऐसी बल्की सी नहीं लगती है, स्ट्रेट लाइंस हैं, एकदम शार्प सी प्रोफाइल लगती है। जैसा वेरिएंट का नाम है वैसी ही प्रोफाइल लगती है, शार्प सी, और ऐसा ही इसका इंटीरियर भी है। फ्रंट से बातचीत करें तो ये यहाँ पर आप देखोगे इसके DRLs हैं जो कि इंडिकेटर्स का भी वर्क करते हैं। ये आप देख सकते हो क्रोम की लाइंस वगैरह आपको मिल जाती हैं। नीचे की साइड डुअल प्रोजेक्टर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पे, लो बीम हाई बीम के लिए अलग अलग, और ये दोनों आपको वाइट लाइट ही ऑफर करेंगे। नीचे रिफ्लेक्टर बेस LEDs आपको मिल जाती हैं। नीचे यहाँ पे MG मेंशन है, फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स हैं, और ये ग्रिल वगैरह आप देख सकते हो काफ़ी बोल्ड सी और काफ़ी प्यारी सी आपको यहाँ पे ग्रिल भी देखने के लिए मिलती है। ये आप देख सकते हो बढ़िया। यहाँ पे कैमरा की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है, MG का लोगो है बीच में, और ये है ओवरऑल फ्रंट की प्रोफाइल। नीचे की साइड से भी आप देखोगे तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे क्रोम के ट्रीटमेंट्स वगैरह जो दिए हुए हैं अच्छे लगते हैं ओवरऑल। बाकी ग्रिल जो है वो गाड़ी की पर्सनली मुझे शानदार लगती है, काफ़ी शार्प सी प्रोफाइल है। मसल्स जो हैं गाड़ी की काफ़ी सॉलिड लगती हैं, ये लाइन्स वगैरह जो हैं काफ़ी सॉलिड लगते हैं। और साइड की प्रोफाइल की बातचीत करें तो ये कुछ ऐसी दिखती है साइड से, बढ़िया एकदम। ग्लास एरिया वगैरह भी देखोगे गाड़ी की, ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह की बातचीत करें तो ऑलमोस्ट 192 mm की बहुत ही बेहतरीन सी ग्राउंड क्लियरेंस भी गाड़ी आपको ऑफर कर देती है। अलॉयज़ जो हैं काफ़ी प्यारे लगते हैं, इनका टच सेक्शन भी आपको बता देता हूँ। क्लैडिंग वगैरह भी आप देख लो अच्छे खासे रेशियो में आपको मिल जाती है, और गाड़ी की ओवरऑल प्रोफाइल को जो है सूट करती है। यहाँ पे इनकी बातचीत करें टायर्स वगैरह की, तो यहाँ पे गुड़ियर के टायर्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और टायर सेक्शन जो है इनका वो आपको देखने को मिलता है 215/55R18। तो ये 18 इंच के कुछ ऐसे डायमंड कट अलॉयज़ आपको मिल जाते हैं आगे, और पीछे आपको डिस्क ब्रेक ही देखने के लिए मिलती हैं। और ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की मिलती है प्रोफाइल, काफ़ी ज़्यादा स्लीक सी डिज़ाइन लैंग्वेज लगती है इसकी, मतलब एक फ़्लो में जो चीज़ें होती हैं ना वो वाला चार्म है इसके अंदर। बाकी यहाँ की बातचीत करें तो बॉडी ग्लेड ORVMs इंडिकेटर्स के साथ हैं, कैमरा की प्लेसमेंट है, और वेलकम फीचर इनके अंदर आता है। इस प्राइस पॉइंट पे चीज़ बहुत छोटी सी हो जाती है, तो जब भी आप लॉक अनलॉक करोगे ये ऑटोमेटिकली फोल्ड अनफोल्ड हो जाते हैं। प्लेन ग्लासेस आते हैं, ये क्रोम लाइन आपको मिलती है प्रॉपर, रिक्वेस्ट सेंसर दोनों साइड आपको मिल जाते हैं क्रोम की टिप के साथ हैं, रूफ रिल्स आती हैं, और यहाँ पे पूरी पैनोरामिक सनरूफ आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है। ग्लास एरिया गाड़ी का शानदार है, ये क्वार्टर पैनल वगैरह भी आप देख सकते हो, शार्पन एंटीना है, स्पॉयलर है, स्टॉप लैम्प, डिफॉगर, वाइपर, सारी चीज़ें हैं। और पीछे की साइड से टेल लैम्प्स की बातचीत करें तो ये मैं आपको एक सेकंड ऑन कर दिखाता हूँ, ये देखो कुछ इस तरीके से जलते हैं और बढ़िया लगते हैं, कुल मिला के बढ़िया कनेक्टेड है सारी चीज़ें। LED सेटअप है पूरा, MG के यहाँ पे लोगो है, और ये 100 ईयर वाला जो बैज है ना ये इस गाड़ी के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि इनका सेलिब्रेशन स्टिकर है। यहाँ पे हेक्टर मेंशन है, नीचे एक साइड अपनी एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह आपको मिल जाती हैं। ये वर्किंग है, क्योंकि आप देखोगे तो जितना भी लाइट वाला पार्ट है सब टेल गेट के ऊपर है, और जब ये खुल जाता है तो लाइट जो है ऑटोमेटिकली नीचे शिफ्ट हो जाती हैं। तो ये प्रैक्टिकल हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स वगैरह भी हैं, रेयर पार्किंग सेंसर्स भी हैं, और यहाँ पे ये डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, क्रोम के ट्रीटमेंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, और यहाँ पे कैमरा की प्लेसमेंट भी आपको मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट आता है तो जस्ट एक बार बटन दबाने से ये कुछ इस तरीके से खुल जाएगा, शानदार। और यहाँ पे
पार्शल ट्रे आपको मिलती है, जो कि जैसे बड़ी ब्रांडेड गाड़ियों के अंदर आती है वैसी आपको मिलती है। आप इसको कुछ इस तरीके से हटा सकते हो और दोबारा से यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा भी सकते हो, और अभी तो लगी नहीं, तो इसे लगाने के लिए सिंपली दोनों साइड्स आपको ये कुछ इस तरीके से करनी पड़ेगी, सिंपल यहाँ पे लग जाती है। ओवरऑल बूट स्पेस की बात करें तो कहीं ना कहीं 587 लीटर्स के आसपास की बूट स्पेस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है नंबर्स में भी, और वैसे भी देखोगे प्रैक्टिकल यूज़ के हिसाब से भी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब अच्छा खासा सामान यहाँ पे आप अपना लेके जा सकते हो। बूट लैंप यहाँ पे है, और जो स्पेयर व्हील है वो आएगा यहाँ पे, अभी है नहीं इसके अंदर, और टूल किट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जब गाड़ी की डिलीवरी होगी तब आपको यहाँ पे होके मिलेंगी सारी चीज़ें डन। अभी इसको बंद करते हैं, तो अभी वही चीज़ आदत हो जाती है, अभी इसको कर देता मैं नीचे, बट नहीं, इसको बंद करने के लिए सिंपल आपको बटन एक बार दबानी है और ये इलेक्ट्रिकली बड़ा स्मूथली बंद हो जाता है कुछ इस तरीके से। ये देख लो, बहुत ही प्यारी लगती है। ओवरऑल डिज़ाइन लैंग्वेज की बातचीत करें या फिर किसी भी चीज़ की बात करें, बहुत प्यारी लगती है। बाकी यहाँ से डलेगा पेट्रोल इधर की साइड से, इंटीरियर में चलें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्रोम स्ट्रिप्स वगैरह आपको मिल जाती हैं, और ये लो इसके अंदर ये मतलब डिटेक्शन वाला फीचर भी है, चाबी पास आती है ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाती है, एक सेंसर है यहाँ पे दबाने की जिसको आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, चाबी आपकी पॉकेट में है तो जस्ट ये ऐसे ही खुल जाएगी। एमिनेंट लाइट देखो भाई, ये देखो कितना ही प्यारा ग्लो है, जब भी आप गाड़ी के अंदर आओगे ये चीज़ें आपको होती हुई नज़र आएंगी, तो एक तरीके से आप लगा लो वेलकम फीचर है गाड़ी का। यहाँ की बातचीत करें तो डोर पैनल्स आप देख सकते हो बहुत ही स्मूथ टेक्सचर्स के साथ हैं, सब यहाँ पे सॉफ्ट टच दिया हुआ है, डोर लेवर है काफ़ी स्टडी सा, इन्फिनिटी के यहाँ पे बैजिंग मिलती है, स्पीकर वगैरह जो है वो इन्फिनिटी के यहाँ पे मिलते हैं, चारों पार विंडोज़ के कंट्रोल, डोर्स के लॉक अपने यहाँ पे विंडोज़ के लॉक आपको मिल जाते हैं, स्पीकर है, बोतल होल्डर यहाँ पे दिया हुआ है, मॉरिस गराजेस की इसका प्लेट्स हैं, इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आपको ये सीट देखने के लिए मिलती हैं, ये आप देख सकते हो, एयरबैग के यहाँ पे टैग मिल जाते हैं, और कुशनिंग वगैरह को देख के भी आप आइडिया लगा सकते हो कि गाड़ी कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है। और बात करें अंडर थाई सपोर्ट की तो वो चीज़ भी आप यहाँ देख सकते हो किस तरीके से निकली हुई है, तो मोस्टली आप कंफर्टेबल होके ही चलोगे, चाहे आप शॉर्ट राइड कर रहे हो या फिर एक लॉन्ग ड्राइव पे हो तो आप कंफर्टेबल होके चलोगे। बाकी यहाँ की बातचीत करें तो यहाँ चीज़ें और आपको मिलती हैं, ORMs को फोल्ड एंड फोल्ड करने के लिए बटन है, एडजस्ट करने के लिए बटन है, लेफ्ट राइट कौन सा आपको सेट करना है उसके लिए बटन है, लाइट लेवलिंग डायल है, क्लच टेक इल्यूमिनेशन कम ज़्यादा करने के लिए, और बूट को आप यहाँ से भी इलेक्ट्रिकली खोल सकते हो। नीचे के साइड स्पेस मिल जाती है, यहाँ पे फ्यूल लिड खोलने का लिवर है, बोनट खोलने का लिवर है, दो पैडल्स हैं डेड पैडल के लिए प्रॉपर प्लेसमेंट है, और नीचे एम्बिएंट लाइट भी आती है, वो भी आपने देख लिया। और अभी आप ये चीज़ें देखो किस तरीके से स्मूथ लगती हैं सारी चीज़ें बढ़िया एकदम, और अभी अंदर चलते हैं गाड़ी के, तो अंदर की बात अंदर से ही करेंगे, इसको लगा लेते हैं एक सेकंड, और सीट को थोड़ा सा यहाँ से हम पीछे साइड कर लेते हैं, तो अभी सीट पीछे कर लिया, और ये अभी आपको ऑन कर दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आती है, जैसे मैं एक बार ऐसे प्रेस कर दूँगा स्टेयरिंग व्हील जो है अनलॉक हो जाएगा, इन्फोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे ऑन हो चुका है काफ़ी बड़ा सा, और ये आप देख सकते हो MG यहाँ पे लिख के आ चुका है, और सेकंड टाइम जब मैं इसको ऑन कर दूँगा तो ये लो ये ब्लोवर वगैरह सब कुछ यहाँ पे ऑन हो चुके हैं, तो इसका शायद फ्यूज़ वगैरह ही निकाला हुआ है, अदरवाइज़ ये ऑन हो जाता क्योंकि ये तो ऑन यहाँ पे हो चुका है। बाकी यहाँ की बातचीत करेंगे एक सेकंड में, उससे पहले दो तीन चीज़ें और दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे वाइपर्स का कंट्रोल है, यहाँ पे हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स कंट्रोल है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। स्टीयरिंग की बात करें तो ये आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा शानदार सा फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, फुल्ली लेदर रैप्ड है ये, और यहाँ पे कंट्रोल्स की बात करें तो अपने क्रूज़ कंट्रोल के जितने कंट्रोल्स हैं बटन्स वगैरह वो आपको मिल जाते हैं, मीडिया के जो कंट्रोल्स हैं यहाँ पे मिल जाते हैं, एयरबैग की बैजिंग आपको मिल जाती है। एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट एंड सिर्फ टिल्ट का ही ऑप्शन है, टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरीके से स्टीयरिंग व्हील है। बाकी ये चीज़ें एक सेकंड दिखाता हूँ, उससे पहले ऊपर देख लो पूरी पैनोरामिक रूफ आती है, और बेज है ऊपर का जितना भी पार्ट है, तो उसकी वजह से खुली खुली काफ़ी लगती है ये, और कर्टन काफ़ी सॉलिड है, तो इसकी वजह से आपको ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्शन अंदर आएगा धूप का, तो ठीक। और काफ़ी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ है, आप पीछे तक देख सकते हो, और यहाँ पे वैनिटी मिरर है LED वाइट लाइट के साथ, यहाँ पे अपने लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हैं, सनग्लास होल्डर की प्लेसमेंट, यहाँ पे एक ऑटो डिमिंग IRVM है, हाँ जी ऑटो डिमिंग IRVM है ये, और इधर साइड भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है LED लाइट के साथ, और टिकट होल्डर की प्लेसमेंट भी यहाँ पे आपको मिल जाती है।
बाकी डैशबोर्ड वगैरह की बातचीत करें तो लेआउट जो है बहुत अच्छे हैं गाड़ी के। मतलब अगर आपको ऐसा एक रिच सा लगने वाला प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि इस सेगमेंट में जिस प्राइस पॉइंट पे आती है गाड़ियाँ और भी आती हैं, बट उन सबसे हटके इसकी वाइब है, थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। अगर आप चीज़ों को देखोगे, मटीरियल को देखोगे, हर चीज़ को आप देखोगे, तो थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। तो ऐसा अगर आपका कुछ चाहिए तो आप डेफिनेटली इस गाड़ी को चेकआउट ज़रूर करो एक बार। बाकी काफ़ी बड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम है सभी कनेक्टेड फीचर्स के साथ है, और एसी के जितने भी कंट्रोल्स हैं वो भी सब आपको इसी के अंदर ही मिलेंगे। आप देखोगे यहाँ पे कोई मतलब ऐसे बटन्स वगैरह जो हैं वो दिए नहीं गए। नीचे की साइड यहाँ पे वायरलेस चार्जर आपको मिल जाता है, यहाँ पे एक USB पोर्ट है आई गेस इसके अंदर, जी हाँ एक USB पोर्ट यहाँ दिया हुआ है चार्जिंग के लिए, और ऐसा ही एक USB पोर्ट आपको इधर की साइड मिल जाता है। तो दोनों साइड आपको ये USB पोर्ट भी मिल जाता है। यहाँ पे इको की बटन है, गियर नॉब कुछ इस तरीके का आएगा, यहाँ पे PRNDS के सिंबल्स हैं, वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं आगे वाली दोनों, तो उसके कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। AC मैक्स की बटन है, हेजा लाइट की बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल की यहाँ पे मतलब बटन दिए, बटन तो नहीं है बेसिकली ये, मतलब कुछ इस तरीके से स्विच से ही है, आप इनको ऐसे आगे पीछे ऐसे कर करके यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पे कप होल्डर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड का फीचर है, और इधर की साइड ये जो फ्रंट के पार्किंग सेंसर से इनको ऑन ऑफ करने के लिए बटन मिल जाती है। स्लाइडेबल आर्म रेस्ट है और ये भी आप यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट भी आपको मिल जाता है। ग्लो बॉक्स की बातचीत करें तो काफ़ी स्मूथली खुलता है ये, पहली चीज़। यहाँ पे कूलिंग का फंक्शन भी आपको मिल जाता है और अच्छी खासी स्पेस है। मटेरियल ठीक है गाड़ी का, मतलब ठीक नहीं बोलूँगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और फिट एंड फिनिश को लेकर अगर आपकी कंप्लेंट्स हैं कि हाँ भाई फिट एंड फिनिश हमको मतलब ऐसी चाहिए गाड़ी की जिसमें मज़ा आ जाए, तो ये गाड़ी वो चीज़ पूरी कर देगी। इसकी फिट एंड फिनिश में आपको कमी नहीं मिलेगी कहीं से कहीं तक भी। ऊपर से सब कुछ सॉफ्ट टच है, ग्लॉसी ट्रिम्स हैं, AC वेंट्स के ऊपर भी सिल्वर ट्रीटमेंट्स वगैरह हैं, तो ओवरऑल पैकेज ये काफ़ी अच्छा है। बाकी आपके क्या ओपिनियंस है इसके बारे में मुझे बताना कॉमेंट्स में। अभी चलते हैं गाड़ी की रेयर सीट पर, पीछे क्या कंट्रोल है, क्या कम्फर्ट है, और किस तरीके से हैं चीज़ें, ओवरऑल फील कैसी है गाड़ी की वो आपको बताता हूँ। यहाँ से कुछ रह जाए तो प्लीज़ पूछना कमेंट्स में। अभी चलते हैं गाड़ी की रेयर सीट पे और पीछे क्या चीज़ें उनकी बातचीत करें। तो पहली चीज़, दरवाजे काफ़ी बड़े बड़े हैं और काफ़ी नीचे तक जाते हैं, और काफ़ी वेट भी है इनके अंदर, तो मतलब एक सॉलिड जो फील आती है वो उसके अंदर डेफिनेटली आपको मिलती है। ये सब कुछ आपको बेज में जो मिल रहा है ये सब सॉफ्ट लेदर है, अपना डोर लिवर काफ़ी ज़्यादा स्टडी, इन्फिनिटी की बैजिंग यहाँ पे भी मिल जाती है आपको, ये सिल्वर ट्रीटमेंट्स आपको मिल जाते हैं, मतलब जो इसका टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। नीचे की साइड स्पीकर है, बोतल होल्डर है, मॉरिस गैराज इसकी, इसका प्लेट यहाँ पे भी मिल जाती है। सरफेस जो है एकदम क्लीन है, मतलब यहाँ पे कोई एक परसेंट का भी हम्प नहीं है, तो एकदम फ्लैट सरफेस है, तो यहाँ पे तीन बंदे बड़े स्मूथली बैठ सकते हैं वो चाहे कैसे भी हाइट के क्यों ना हो। बाकी अभी स्पेस आपको दिखा देता हूँ मैं, तो अगर आपको मतलब एक मिला जुला सा कॉम्बिनेशन चाहिए, प्रोडक्ट आपको एक ही लेना है, तो ये गाड़ी वो सपना आपका पूरा कर देगी। 5'9" मेरी हाइट है, आगे वाली सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। यहाँ पे लेग रूम देखो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल थाई रूम में कोई इशू नहीं है, और यहाँ पे हेड रूम भी आप देख सकते हो कितना है मेरे पास, मैं आराम से यहाँ पर बैठा हुआ, और यहाँ पे भी देखोगे तो कोई हम्प वगैरह है नहीं, तो जो फील मैं यहाँ ले पा रहा हूँ वही फील मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ और यहाँ पे भी ले सकता हूँ। 60-40 का ऑप्शन है यहाँ पे, आप देख सकते हो ये सीट्स कुछ इस तरीके से हो जाती हैं, और ये रिक्लाइन हो जाती है बाय द वे आपको बता दूँ मैं, तो ये थोड़ा और कम्फर्ट को इनक्रीज़ कर देती है। यहाँ पे आर्म रेस्ट है, कप होल्डर्स के साथ है, ये भी एक सॉलिड सी चीज़ यहाँ पे है। लेदर वर्क काफ़ी स्मूथ, आप फील करोगे तो आपको मज़ा आएगा। ओवरऑल आपको एक लाइन में समझाऊं तो इतना पैसा डालने के बाद जो फील आप एक्सपेक्ट करोगे एक प्रोडक्ट से, वो फील इसके अंदर डेफिनेटली है। मतलब लगता है कि देखना स्पेस आपके पास है, कंफर्ट आपके पास है, थोड़ी सी लग्जरी आपके पास है, प्रीमियम चीज़ें आपके पास हैं, तो वर्थ बैंग लगती है ये चीज़ें जब आप इतना पैसा डालते हो और फिर जब आपको इतना शानदार केबिन मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रेयर AC वेंट्स हैं, नीचे एक साइड भी एक USB पोर्ट आपको मिल जाता है, USB कुछ इस तरीके का, स्पेस वगैरह है, पॉकेट्स मिल जाती हैं, ये सीट बेल्ट जो है हाइट एडजस्टमेंट के साथ आती हैं, पिलर्स पे एयरबैग के टैग आपको मिल जाते हैं, ट्विटर्स वगैरह भी यहाँ पे दिए हुए हैं, काफ़ी बड़ी सी पैनोरामिक रूफ है, टिल एंड यहाँ तक आती है ये, और ग्लास एरिया गाड़ी का शानदार है। यहाँ पे 1, 2, 3 ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, वाइट लाइट आती हैं कुछ इस तरीके की, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हैं, जो कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एडजस्टेड हेडरेस्ट भी आपको मिल जाते हैं, ये भी एक अलग ही चीज़ है। बाकी 3 पॉइंट सीट बेल्ट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, और पीछे से आप देख लो कुछ ऐसा दिखता है डैशबोर्ड का व्यू, नीट एंड क्लीन और प्यारा सा। बाकी आपके क्या ओपिनियंस है इसके बारे में मुझे बताना कॉमेंट्स में। तब तक मैं आपको इसका इंजन भी दिखा देता हूँ कि इंजन कैसा दिखता है इसका और क्या पावर फिगर से आपको
डेवलप करके देती है गाड़ी। और अभी बात करें इस गाड़ी के इंजन बे के बारे में, तो पहली चीज़ यहाँ पे इंसुलेशन पैडिंग आपको मिल जाती है, प्लस पॉइंट। अगेन इंजन की बातचीत करें तो यहाँ पे सीधा सीधा मेंशन भी है टर्बो, तो यहाँ पे आपको मिलता है 1.5 लीटर्स का 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि आपको डेवलप करके देता है ऑलमोस्ट 141 BHP, 250 Nm का टॉर्क, 60 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी गाड़ी अपने साथ कैरी करती है, और 12 KMPL की माइलेज कंपनी क्लेम करती है उससे, मतलब 12 की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। अब रियल लाइफ में क्या निकालती है, किस तरीके से चलती है, CVT गेयरबॉक्स के साथ है, तो कुछ चीज़ें चलाने पे भी डिपेंड करेंगी और कुछ चीज़ें गाड़ी की ओवरऑल चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करेंगी। बाकी शानदार सा इंजन बे है ये आपके सामने, और इसको एक सेकंड बंद कर लेते हैं, फिर मिलते हैं फटाफट से। तो ये थे आपके सामने 2024 MG हेक्टर शार्प्रो CVT। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये प्रोडक्ट भी आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस वेरिएंट के अंदर या फिर इस प्रोडक्ट के अंदर मेरी प्रेफरेंस पूछते हो, तो मैं डीजल मैनुअल की तरफ जाना पसंद करूँगा, क्योंकि ऑटोमेटिक इसमें आता नहीं है। बाकी क्योंकि गाड़ी में देखो फीचर्स अच्छे खासे हैं, लुक्स गाड़ी की बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, देखने में प्रीमियम लगती है, और एक जो डीजल इंजन अपने साथ कैरी करती है वो रिलायबल इंजन भी है, मतलब फीएट से ही सोर्स किया हुआ इंजन है, जैसे बहुत सारी कंपनियां अपने हिसाब से ट्यून करके चलाते हैं, तो इंजन भी रिलायबल है। बाकी क्या ख्याल है आपका इसके बारे में मुझे बताना कमेंट्स में। ओवरऑल ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, और हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।